चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी प्यारी बच्चों, नीट 24 के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के कारण दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था और इस केस की आज हियरिंग थी। इसमें जो जस्टिस हैं दिनेश कुमार शर्मा, इन्होंने इस मैटर को सुना है आज, और एनटीए की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनको इंस्ट्रक्शंस के लिए समय दिया गया है। अब इस केस की सुनवाई वेडनेसडे को होगी, यानी कि बुधवार को इसके बारे में सुना जाएगा, इस केस के बारे में सुना जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो भी अपडेट रहेगा वो वेडनेसडे को मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट में भी ये जो केस फाइल हुआ था उसका भी जजमेंट ये दिया गया है कि एनटीए को 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन के अंदर एनटीए एफिडेविट सबमिट करेगा और इस दौरान वो किसी भी प्रकार की अपने रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। काउंसलिंग अथॉरिटी को भी ये कहा गया है कि इस दौरान वो किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन नहीं दे सकते। हाँ, हालांकि जब तक ये केस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो ये 10 डेज का समय दिया है एनटीए को कलकत्ता हाई कोर्ट ने। तो ये दो हाई कोर्ट से अपडेट से, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को मैं मंडे को इसकी हियरिंग हो, तो जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।